dear students of class 6, today we will start with our next exercise, that is exercise 6.4. So students, in this exercise we will learn about like decimals and unlike decimals, like decimals and unlike decimal. Like decimal kya hota hai aur unlike decimal kya hota hai. So now students, let's begin with this term. Decimal having the same number of decimal places are called like decimals. Decimals, ऐसे decimals जो जिनके पास same number of decimal place हो, जैसे अगर मैं लिख दूं 2.02, ठीक है, comma 3.04, comma 6.05, comma 6.28. तो यहाँ पे students आप देख सकते हैं कि decimal के बाद ये दो places तक है, ये भी डेसिमल के बाद टू प्लेसेस तक है, ये भी टू प्लेसेस तक है और ये भी टू प्लेसेस तक है. लेकिन नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस सेम हो उन्हें हम कहते हैं लाइक डेसिमल्स. ऐसे डेसिमल नंबर्स जिनकी नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस सेम हो, यहाँ पे डेसिमल प्लेस टू है, यहाँ पे कितनी है टू, यहाँ पे भी टू है और यहाँ पे भी टू है. नेक्स्ट होते हैं अनलाइक डेसिमल्स. अनलाइक डेसिमल्स जिसकी डेसिमल प्लेस सेम ना हो, जैसे 302.304 कॉमा 3.1 कॉमा 7.0008. यहाँ पे आप डेसिमल प्लेसेस काउंट करिए, 1, 2, 3, यहाँ पे टू प्लेस है, यहाँ पे वन है, यहाँ पे फोर प्लेसेस तक ये है. तो लाइक डेसिमल्स और अनलाइक डेसिमल्स में बेसिक डिफरेंस यही होता है, ठीक है, इनकी जो प्लेसेस होती हैं डेसिमल के बाद वो सेम होती है. टू प्लेस यहाँ पे भी है, टू प्लेस यहाँ पे भी है, टू प्लेस यहाँ पे भी है और टू प्लेस यहाँ पे भी है. इसमें वंस तो होता नहीं है, डायरेक्ट टेंस, TENTHS, टेंस और ये हंड्रेड्स, HUNDREDTHS, हंड्रेड्स, ठीक है, ये टेंस प्लेस है और ये हंड्रेड्स प्लेस है और वंस प्लेस डेसिमल में नहीं होती है, जैसा मैंने आपको पहले बता दिया था. तो यहाँ पे सिर्फ टू ही प्लेसेस है, टेंस प्लेस और हंड्रेड्स प्लेस, THS, THS. फिर 3.04, यहाँ पे कितनी प्लेसेस है, टू प्लेसेस, टेंस प्लेस TENTHS, टेंस प्लेस और यहाँ पे है hundredths place, HUNDREDTHS, hundredths place, ठीक है. तो ऐसे decimal, ऐसे numbers, जो decimal numbers जिनकी same places हो, यहाँ पे जितने भी numbers हैं सबकी दो place है, 1, 2, 1, 2, 1, 2, ऐसे इन decimal numbers को हम कहते हैं like decimals और जिनकी different places होती हैं उनको हम कहेंगे unlike decimals. अब next एक और important topic है, ये भी बहुत interesting है, this I will tell you. So suppose students, suppose I write 3.4, ठीक है, मैंने क्या लिख दिया 3.4 and after that मैंने इसके 4 के बाद एक जीरो और बढ़ा दिया 3.40. तो आप मुझे ये बताइए कि ये 3.4 और 3.40 इक्वल है कि, मतलब ये दोनों जो डेसिमल नंबर्स हैं क्या ये इक्वल हैं, ये इक्वल है कि कौन सा ग्रेटर देन है और लेस देन है, आपको यहाँ पे साइन बताना होगा. तो यहाँ पे देखिए, अगर मैं लिख दूं 3.4 या मैं लिख दूं 3.40 और इफ आई राइट 3.40 आफ्टर दैट मैं एक जीरो और ऐड कर दूं और उसके बाद मैं लिख दूं 3.400 और एक जीरो और ऐड कर दूं, ठीक है, तो क्या होगा, तो इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा, Which is the biggest decimal numbers in all the three? ये आपको बताना है मुझको. तो चलिए मैं ही आपको बता दे रहा हूं कि जितने भी यहाँ पे decimal numbers लिखे हैं ये सारे बराबर है. 3.4 जो है वो 3.40 के बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ठीक है. इसका मतलब क्या हुआ, इसका कंक्लूजन क्या हुआ, इसका कंक्लूजन ये हुआ कि अगर मैं लिख दूं 3.4 लिख दूं या मैं लिख दूं 3.400000, जितने भी मैं राइट साइड में पॉइंट के राइट साइड के बाद 4 के बाद मैं जितने भी जीरो लगा दूं, ये दोनों जो डेसिमल नंबर्स हैं वो हमेशा बराबर रहेंगे. जीरो ऐड करने से उसकी प्लेस पे कोई इफेक्ट नहीं होता है, उसकी प्लेस पे कोई इफेक्ट नहीं होता है, 3.4 जो है वो इसके बराबर है, ठीक है, ये आपका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट था. So now students, we'll move on to exercise 6.4, problem number 1, ठीक है? Problem number 1 में students आपको क्या करना है कि unlike fractions दिए, unlike decimals दिए और like fractions decimal दिए हुए हैं, आपको इसको like decimals में change करना है. किसमें change करना है? Like
लाइक डेसिमल्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या क्या नंबर दिया है, 17.9 और क्या है 9.31, ठीक है। हमें इसको लाइक डेसिमल में चेंज करना है। तो यहाँ पे प्लेसेस देखिए, 9 के बाद कितनी प्लेस है, 2 प्लेस है, 9 के बाद 2 प्लेस है, ठीक है। डेसिमल की कितनी प्लेस है, 2। यहाँ पे 9 के बाद बस एक ही प्लेस है, 9 के बाद पॉइंट के बाद कितनी प्लेस है, एक ही प्लेस है। यहाँ पे पॉइंट के बाद 31, 2 प्लेस है, 31 जो है वो 9.31, ये इसके बराबर तो आई। और हम क्या लिख देंगे, 17.9 जो है इसको हम लोग लिख देंगे 17.9, और ये एक जीरो हम इसमें और ऐड कर देंगे, ठीक है। एक जीरो क्या करेंगे, एक जीरो जब ऐड कर देंगे तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था इसकी वैल्यू पे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा और ये दोनों लाइक डेसिमल में भी चेंज हो जाएंगे। लाइक डेसिमल मैंने आपको पहले बता दिया था कि पॉइंट के बाद जो जितनी प्लेसेस इसमें हो उतने ही इसमें भी हो। यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 प्लेस थी, यहाँ पे पॉइंट के बाद 1 प्लेस है, ठीक है। पॉइंट के बाद 2 प्लेस है 3 और 1, और पॉइंट के बाद 1 प्लेस है 9। तो यहाँ पे जब मैंने 0 ऐड कर दिया तो किसी भी डेसिमल नंबर में पॉइंट के बाद अगर हम राइट साइड में एक्सट्रीम राइट में 0 ऐड करते हैं तो उसकी वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं होता है। चाहे 17.9 लिख दीजिए, चाहे 17.90 लिख दीजिए, चाहे 9 के बाद आप 100 जीरो और लगा दीजिए, तब भी वो इतने ही के बराबर होगा। उसके बाद हम लोग लिख देंगे 9.31 एंड 17.90 आर द सेट्स ऑफ लाइक डेसिमल, ठीक है। इसी तरह स्टूडेंट्स आपको ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व करनी होगी। 9.31 एंड 17.90 आर द सेट्स ऑफ लाइक डेसिमल। नाउ स्टूडेंट्स वी विल मूव ऑन टू प्रॉब्लम नंबर 2। प्रॉब्लम नंबर 2 में आपको क्या करना है, प्रॉब्लम नंबर 2 में आपको कंपेयर करना है, ठीक है। देखिए दिया हुआ है प्रॉब्लम नंबर 2, ठीक है। आपको कंपेयर करना है कि ग्रेटर देन है, लेस देन है या इक्वल टू है। 9.6.41 है एंड 6.41 एंड 18.03 है, तो हमें कंपेयर करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 18 जो होता है वो 6 से बड़ा होता है, तो हम यहाँ लिख देंगे 6.41 इज ग्रेटर देन 18.03। इसी तरह स्टूडेंट्स आपको कंपेयर करना होगा। एक मैं आपको और बता दे रहा हूं, 4.5 एंड देखिए दिया हुआ 4.5 एंड 0.613 कंपेयर करिए। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि 4.5 जो है वो बड़ा है, यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन लगा देंगे और ये आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही आपको प्रॉब्लम नंबर 2 खुद से करनी होगी। और नेक्स्ट देखिए प्रॉब्लम नंबर 4 और प्रॉब्लम नंबर 5 में आपको अरेंज करना होगा असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में, ये भी आपको स्टूडेंट्स कंप्लीट खुद से करना होगा।